गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे अंडा का औंधा लगाना। आप घर बैठे हमारे साथ सीखेंगे अंडा का औंधा कैसे। औंधा इज द टाइप ऑफ द यू कैन, आपको सीखना होता है अंडा को मिट्टी का लेप लगा करके, और बाकी का जो प्रोसेस है वो हमारा नीतीश सर। हां जी सर, देख रहे होंगे छुट्टी दिया था आज, देख रहे होंगे कितना यहाँ पे है ना लोग लगा रहे हैं। दो दो कारीगर को मैंने बाहर से सऊदी अरब से बुलाया है, मिस्टर खान को और मिस्टर नीतीश को दुबई से बुलाया गया है सिर्फ अंडे के अंडे का औंधा लगाने के लिए। उधर देखिए लकड़ी को काटा जा रहा है आरी से, रोशन जी के फादर काट रहे हैं उसको जलावन के लिए। रोशन जी अपने उधर देखिए काम बढ़ा देते हैं पापा। रोशन जी देखिए आ रहे हैं अपने पेट को निकाल कर, चल रहे हैं, उनको चलने में तकलीफ हो रहा है फिर भी चल रहे हैं वो, है ना, और वो शर्मा भी रहे थोड़ा थोड़ा। सारा काम अपने पापा को दे देते हैं। हाँ, यू कैन सी ऑल गाइज आर इन्वॉल्वड द मेकिंग ऑफ लेयर विथ सॉइल ओवर एग्स। हाँ, देख रहे होंगे लबनी में अंडे को डालने के बाद, है ना, उसमें घास भूस जो होता है जलावन सूखा हुआ उसको आप डाल रहे हैं ताकि भाप निकले नहीं आपको, ताकि अंदर का जो भी हो एयर बाहर ना आए और जो वेपर है वेपर अंदर ही रहे ताकि अंडे जो अंडे हैं अच्छे से सीज सके। सबसे पहले मिट्टी का लेप लगाया गया अंडे के ऊपर, उसके बाद सभी अंडे को एक लबनी छोटे से बर्तन में डाल दिया गया और जिसका जो मुँह है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर किया गया ताकि अंदर का जो वेपर है चाहे एयर है वो ना निकले। उसके बाद लबनी के ऊपर मिट्टी का फिर से लेयर लगाया जा रहा है। नहीं सर, नहीं सर जी, वहाँ फूटा हुआ था वही, उसी को पहले अच्छा तो कट जाएगा। अब देख रहे हैं आप लोग एक बड़ा जो लबनी है उसमें आलू डाला गया है और एक छोटा जो लबनी है उसमें अंडा डाला गया है और काऊ के जो काऊ डंग होता है गोइठा उसको चार तरफ लगाया जा रहा है ताकि इसमें अच्छे तरीके से आग पकड़े। देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले घड़ा या लबनी में अंडे या और आलू को लगाया गया, दो लबनी में लगाया जा रहा है और पहले गोइठा लगाया गया, उसके बाद लकड़ी है ना, उसके बाद लकड़ी का चल रहा है। देख रहे होंगे है ना, देखिए सब जल जाएगा, देखिए काफी सारा लकड़ी लाया गया है और चार तरह से इस तरीके से लगाया जा रहा है कि इसमें आग अच्छे तरीके से लग सके और काफ़ी देर तक आग रहे, मतलब अप्रोक्स आप इसको आधा घंटा तक इसमें हीट चाहिए। देख सकते हैं अब आग लग चुका है इसमें, बोनी हो चुका है ना, देखिए अब धीरे धीरे और पूरे फैलेगा ये, कहीं कहीं फैलते फैलते उधर नहीं फैल जाए, इसको बचा के रख सोचिएगा। ये ऐसी है वो जंगल का है अब उधर लिया ऐसा नहीं। इसको भी नहीं, अच्छा वो बाद में रख दीजिए। काफी मेहनत किया है, मिट्टी का लेप लगाया है, काफी समय दिए हैं आलू को अंदर औंधा लगाने में, नहीं लग रहा लेकिन आई होप
लग जाए तो बेहतर होगा, बट देखते हैं। साहिल भाई काफ़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं, उनका एक्शन देखिए, उफ उफ माय गॉड। जी हाँ, ये मैन वर्सेस वाइल्ड का जो इन्होंने ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो आपके 13 डेज का ट्रेनिंग लिए थे इन्होंने, जी हाँ, उनको आज ये जंगल में, हाँ अमेजोन के जंगल में लिए थे, बट वहाँ क्या ना, जब से आग लगा है ना तो ये छोड़ के आ गए हैं आफ्टर, तो अब आपको इंडिया ही में वो सिखा रहे हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन द जंगल। आग लगाने का एक्सपीरियंस कैसा? हाँ जी हाँ, आओ ये नीतीश भाई, आ इन्होंने डाला धुआं धुआं करने के लिए, उसी के साथ पटपटिया शुरू, और आग का मजा देखिए, आग की लपटे देखिए, ये वो आग है, धुआं धुआं कर देना। रोशनी खाली उनके साथ तुम फेरा नहीं लेना, फेरा कहाँ लेंगे, तुम घूमता है इतना, कहीं 7 बार घूम गया तो दिक्कत है। धुआं धुआं आज कर देना आज। ना ना, एक दो बार और डाल दीजिए नितिन भाई, आग जला, लेकिन टमाटर भी और ये देखिए, इसी के साथ पटपटिया एक बार फिर से पटपटिया शुरू। देखिए इनके साउंड सुनिए, पुटर 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 बोलता है, दर्शकगण को दिखाते हुए ये आपको कहीं नहीं है, आपको सिर्फ बिहार में है, अगर आपको चाहिए बिहार में बाहर तो आ जाइए एक बार, वन टाइम इन बिहार, ओ ब्यूटी ऑफ बिहार, यस धुआं धुआं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा समय देना पड़ेगा, काफ़ी धुआं हुआ, और देख रहे नीतीश भाई अपना सर हाथ पर झाड़ते हुए धुआं धुआं करने के बाद, काफ़ी मेहनत। उधर अंशु गुप्ता लुक एट, या धुआं धुआं कर दिया है पूरा, आई रोशनी तो खाली अपने है, रोशनी इधर आओ, सलाम करो दर्शकगण को, गुड मॉर्निंग बोलो, बताओ औंधा कैसे लगाया था अंडा का? गुड मॉर्निंग। देखिए आज अंडा का औंधा लगाना सिखा रहे हैं हमारे नीतीश भाई, मिस्टर रोशनी कुमारी कुमार हैं, अभी कुमार हैं, ये देखिए ये अगजा है, गला है जो अभी आग देख रहे हैं लबा लब, और हमारे चाचा का काफ़ी मेहनत चकली काटने में, चाचा है, चाचा मुस्कुराहट देख सकते हैं आप, एकदम मुस्कुराहट, ओ जय हिंद जय हिंद। और अब देख सकते हैं आप हैं, जो अंधा का जो अंडा का जो औंधा लगाए थे ये सही से नहीं हो पाया, आई थिंक सो मिशन ए फेल हो गया, हम लोग ये सक्सेस नहीं कर पाया, हम लोगों ने सोचा था इतिहास लिखने के लिए कि अंडा का औंधा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे आएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया, दो को बढ़िया हाई इसमें, सो इसके लिए सॉरी। देखिए कुछ अंडा ऐसा बात नहीं है, कुछ अंडा सही हुआ है जो आप देख सकते हैं, देखिए एक्चुअली यहाँ पे मिट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को जो मिट्टी यूज करना चाहिए था बलुआही यूज करना चाहिए था, बलुआही तो यूज किया सर, कौन सा यूज करना चाहिए था? चिकनी माटी। अच्छा अच्छा, हम लोग को जो मिट्टी यूज करना चाहिए था चिकनी मिट्टी यूज करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने बलुआही मिट्टी यूज कर लिया, इसकी वजह से जो अंडा का जो अंधा है सही से हो नहीं पाया, और बहुत कम अंडा सही से हो पाया, बस ये मिट्टी का प्रॉब्लम हुआ। तो आप लोग यदि यूज करें अंडा का औंधा बनाने के लिए, तो चिकनी मिट्टी यूज करें, ना कि बलुआही मिट्टी यूज करें, देखिए ना, मेरा नाम सक्सेसफुल, देख सकते हैं आप, मिशन ओके, थैंक यू। ऑफ नहीं करना, मजा चलेगा, देखिए उल्टा जाए, हाँ लीजिए, अब बोला था खींच लीजिए, ले जाके उधर से धुआं धुआं देखते हुए लीजिए, हाँ सही है, और देखिए अब ये ओपन होगा, चाचा आलू को जलते हुए, अच्छा आलू के साइज कह थोड़ा जल जाए, कौन था ठीक है, ठीक है पा आलू, जी हाँ ये कहीं और नहीं थी बिहार में, ये बिहार का बाहर है, ब्यूटी ऑफ बिहार, द ब्यूटी ऑफ बिहार, डेट साउंड इज एंड द टेस्ट इज सो गुड मिस्टर रॉसी, नहीं ठीक है मेरा जरा ब्यूटीफुल, ये आलू का औंधा है, अच्छा लुक एट,
हाँ आलू पार्टी हो रहा है। आलू ये देखिए, खाइए और एंजॉय करिए। ओके ये बिहार में बाहर बा जनाब, आज का अंडा का मिशन अनसक्सेसफुल रहा। साहिल का लुक एट, आज का अंडा का मिशन अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज क्योंकि 15 अंडे में एटलीस्ट 10 अंडे बर्बाद हो चुके, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। एक्चुअली क्या हुआ कि इस अंडे के लिए ना एक चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो मिट्टी था वो आपका वलवाई भी था, है ना, जलोर भी था, मतलब मिक्स था पूरा। इसलिए हम लोग जो अंडा का जो औंधा लगा है ना, वो अनसक्सेसफुल हो गया। एक्चुअली हम लोग तकरीबन 25 अंडे का औंधा लगाए थे, तो उसमें तकरीबन 4 या 5 ही सही हो पाया और बाकी सब मतलब फट गया। तो आप लोग प्लीज़ इसको यूज ना करें, करिए ट्राई करिए, हाँ ट्राई करें। तो मिट्टी का जरूर ध्यान रखें। ओके है ना, मिट्टी का ध्यान रखें, और मिट्टी के लिए वो क्या चिकनी मिट्टी जो है ना उसको आप यूज करें, तो उससे आपका हो सकता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आज का हमारा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक कमेंट दबा के ठोकने। साहिल तरह काफ़ी मेहनत था अंडे के ऊपर वर्क करने का। देखो रोशनी देखिए, तो ये मटके के ऊपर देख लीजिए, वन मटका भटकते हैं। मिलते रहेंगे इसी तरह, हफ्ते मुस्कुराते रहिए, खाइए पिए मौज में रहिए। हैव ए गुड डे।